हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगी। कहते हैं बिफोर। अब बिफोर मींस क्या होता है? पहले। जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मुझसे पहले क्या है, मेरा फोन रखा हुआ है जो कि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसको पहले बोलेंगे। तो अब हम इसको एबीसीडी में लिखे देखेंगे कि बिफोर एबीसीडी में कैसे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो हमें देखना है कि ए से पहले क्या आता है। एबीसीडी आप पढ़ना शुरू करेंगे, ए बी, क्या कैसे आया ए बी। बी से पहले क्या है? ए फॉर एप्पल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए फॉर एप्पल, ऐसे लिखे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डी फॉर डॉग। तो हम पढ़ के देखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। तो डी फॉर डॉग है, डी फॉर डॉग से पहले क्या है? सी फॉर कैट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी फॉर कैट। अब वैसे ई फॉर एलिफेंट सब करेंगे, एबीसीडी पढ़ते हैं, ए बी सी डी ई। ई से पहले क्या आया? डी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी फॉर डॉग। अब क्या लिखा हुआ है? जी फॉर ग्राफ्स। हमें जी फॉर ग्राफ्स से पहले देखते हैं कि जी फॉर ग्राफ्स से पहले क्या आता है। A B C D E F G। G से पहले क्या आया? F I। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? F I। ऐसे M से पहले क्या आता है? L for lion। L for lion में यहाँ पे लिख दिया। अब K for kite से पहले क्या आता है? गिनो A B C D में। एक काम करो, A B C D हम लोग लिख लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छे समझ आए। A B C D E F G H I J K L M N O P आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको बिफोर लिखना आ गया होगा।